हाय फ्रेंड्स, तो आइए अब सीखते हैं एरोपिक के बारे में। एरोपिक क्या होता है? एरोपिक ये होता है, देखिए हमने ये अपना ये हमारी इस वीडियो के ऊपर हम गए तो ये दिखा रहा है कि हमारी ये वर्ड का जो ये है इस पे दिखा रहा है कि इसमें कितनी कितने डॉक्यूमेंट्स ओपन है। तो इस पे ये दिखाता है जिस वर्ड के हमारे दो डॉक्यूमेंट ओपन है, ये हमारी VLC में ये एक इसकी विंडो ओपन है और ये इस पे ये ओपन है, इस पे ये एक ओपन है, इस पे भी एक ओपन है, ये बंद है, ये भी बंद है, ये भी बंद है और ये फोल्डर, ये हमारे दो फोल्डर ओपन है। तो इसमें मतलब अब जैसे हम हमारी इस विंडो के ऊपर हम गए, हम हमारी हम हमारा ये डॉक्यूमेंट है, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारी दूसरा डॉक्यूमेंट दिखाएगा। अब ये जो क्रॉस का बटन है, हम इसको हम क्लिक करेंगे तो हमारी डॉक्यूमेंट बंद हो जाएगा। ये हमारे सेव का ऑप्शन दिखाएगा, हमें सेव करना है या नहीं करना है। तो हम इसके ऊपर अपने रिक्वायरमेंट के ऊपर अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम क्लिक कर सकते हैं। हम इसको नो कर देते हैं तो हम क्लिक करेंगे तो ये रहेगा एक। अब हम इसको बंद कर दिया तो यहाँ पे ये चले गया, यहाँ से VLC दिखाता है, हम इसको बंद करना चाहें तो बंद कर देंगे। ऐसे ही हम इसको यहाँ से बंद कर देंगे, ऐसे ही हम इसको यहाँ से बंद कर देंगे। क्लोज स्टेप्स अगर होगा हम चाहें तो, और आप सीखते हैं कि जो हमारे यहाँ पे ये लगे हुए होते हैं, जैसे हम यहाँ कांधे लेकर आते हैं, हम यहाँ से इनको यहाँ पे लेके आते हैं। इसे हमारा फोटोशॉप यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे हम इसको अनपिन कर देते हैं तो ये यहाँ से अनपिन, यहाँ से मतलब चले गया फोटोशॉप। अगर हम इस फोटोशॉप को वापस यहाँ पे लेके आना चाहते हैं तो हम यहाँ पे करते हैं पिन पिन टू टास्क बार, हम इसको पिन टू टास्क बार पे करते हैं तो हमारा ये फोटोशॉप वापस यहाँ पे आ जाता है। लेकिन ये आता कहाँ पे, दोबारा से हम करते हैं तो वो सबसे लास्ट में आएगा, वो अब वापस वहाँ पे नहीं आएगा। अगर हमें वहीं पे लेकर आना है तो हम इसको अपने इस आइकन के ऊपर हम अपना अपना लेफ्ट बटन दबाए रखते हैं, दबाए दबाए इसको हम यहाँ पे ले आते हैं, जहाँ पर भी हमें रखना है वहाँ पे लाकर हम छोड़ देते हैं। हम यहाँ पे लाकर छोड़ते हैं तो ये देखिए यहाँ पे आ गया, ये है। अब हम चाहते हैं कि ये यहाँ से हट जाए तो हम इसको यहाँ से अनपिन करते हैं, यहाँ से ये हट गया, जी हाँ ये वहाँ से भी हट जाएगा, यहाँ से भी हट जाएगा। हम इसको चाहते हैं कि मतलब ये यहाँ से हट जाए तो इसको अनपिन कर दें, इस ये यहाँ से हट जाए तो इसको अनपिन कर दें। अब सीखते हैं एरोसेक के बारे में कि एरोसेक क्या चीज़ होती है। एरोसेक जैसे हमारे सामने ये काफ़ी हम विंडोज़ ओपन है, इतनी सारी विंडोज़ ओपन है और हमें काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है और हम इस वाली विंडो को हम सबसे टॉप पर रखना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, टॉप पर तो ये है, हम चाहते हैं खाली हमारे सामने खाली यही चीज़ है, हम हमें प्रॉब्लम ना हो तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर इस जगह हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर थोड़ा सा सेक कर देंगे, सेक करने का मतलब हिला देंगे तो ये हमारी विंडो जितेंगे वो सब बंद हो जाएंगी। अगर हम चाहते हैं कि वापस से वो विंडो वापस आ जाए तो हम बस वही करेंगे जो हमने अभी पी किया था थोड़ी देर पहले, सेक कर देंगे तो ये हमारी विंडो जितनी थी वो वापस आ जाएंगी। तो आइए अब जानते हैं एरो फ्लिप के बारे में। अब हम एरो फ्लिप को चलाने के लिए हम अपने कीबोर्ड से अल्ट की दबाते हैं, अल्ट और अल्ट के साथ अल्ट को दबाए रखते हैं, अल्ट और आप अपने कीबोर्ड से टेप दबाते हैं। याद रखिए अल्ट की को दबा के रखना है और टेप को फिर दबाना है। हमने अल्ट दबाया दबाया का और टेप की दबाई तो ये हमारे सामने ये ऑप्शन आ गए। अब हम टेप दबाते रहेंगे, ये देखिए हम अपने जितने भी वो हैं विंडो उनके ऊपर हम आ रहे हैं जा रहे हैं। अब हमें जिस जो विंडो चाहिए हम उसके ऊपर आके छोड़ देंगे, हमने यहाँ पर आके छोड़ दिया तो देखिए हमारी ये विंडो हमारे सामने आ गई। और अगर हम चाहते हैं कि हमें 3D में मिले, हम जो एरो फ्लिप हम कर रहे हैं हम 3D में चाहें तो हम अपने कीबोर्ड से विंडो और टेप दबाएंगे, इस तरह से आएंगी फिर हमारे सामने विंडो टेप से। अब हम छोड़ देंगे अपना कीबोर्ड से विंडो टैब छोड़ देंगे तो हमारे सामने ये आ गया।